यम यम किसी से कम नहीं, यम किसी से कम नहीं। जीवन की नैया जब डूब जाए, यमराज लगाएं उसे पार। भीषण अड़चन है इस काम में, और ऊपर से ये सरदर्द परिवार। एक धरतीवासी मोह माया की प्यासी आ गई इनकी लाइफ में। एक आदर्श भारतीय पत्नी के सब गुण है इनकी वाइफ में। धरती से यमलोक तक ये खाली हाथ नहीं आई थी, एक न्यारा प्यारा राज दुलारा उपहार साथ ले आई थी। घर ही नहीं ऑफिस का भी हुआ है बुरा हाल, ओवर क्वालिफाइड दूत इनका करता है हमेशा कमाल। जीवन मृत्यु मृत्यु जीवन इनकी पोथी में बस यही। दूसरे देवता भले हो लोकप्रिय, पर यम किसी से कम नहीं। दिन भर का ईंधन तो मिल गया। उत्तर में भूकंप आया है तो आज बहुत सारे प्राण लेने हैं। वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी। कल सुबह घर से निकले थे, आज सुबह लौटे, पता नहीं आप वापस घर आते ही क्यों हैं? नाश्ता करने। मजाक छोड़िए, देखिए जी आप तो सुबह सुबह काम पे निकल जाते हैं, हिमेश पूरा दिन घर से बाहर रहता है, और ये खाली घर तो जैसे मुझे ही काटने दौड़ता है। खाली समय काटने के तो इतने सारे उपाय हैं ना आपके पास। सिलाई कढ़ाई कीजिए, कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लीजिए, मम्मी पापा को मिस कॉल करके फ्री इनकमिंग पे बात कर लीजिए, मंदिरा के घर चले जाइए। उसने मुझे बुलाना छोड़ दिया है। मंदिरा ने बुलाना छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि उसका अकेलापन दूर करने के लिए गुप्ता जी ने उसे एक पप्पी दिया है। ओ, तो आप भी लीजिए। ये पप्पी नहीं, पप्पी कुत्ते का बिल्ला, मुझे भी चाहिए। आपको उसकी क्या आवश्यकता है, आपके पास सपोला है ना? सपोला? कौन सपोला? अरे सांप का बच्चा हिमेश। देखिए मेरे खानदान को बीच में मत घसीटिएगा, और मैं आपसे कह देती हूँ मुझे पप्पी चाहिए, मतलब चाहिए। ये देखिए, आप पहले ये देखिए, ये बीगल है सिर्फ 5,000 का है, ये बॉक्सर है सिर्फ 7,500 का, ये तो सबसे क्यूट है, लैब्राडोर है सिर्फ 10,000 का। 10,000? इतने में 4 भैंसे आ जाएंगे। अगर सारा पगार हम कुत्ता खरीदने में लगा देंगे तो महीने भर खाएंगे क्या कुत्ते का बिस्किट? ना महंगा भी। कंजूसड़ा। नमस्ते यमराज जी। नमस्ते। बताइए कैसे सेवा करें आपकी? कुछ नहीं प्यारे जी, हमें एक पालतू पशु चाहिए, बिल्कुल हमारे भैंसे जैसा। हमें अपनी पत्नी को भेंट देना है। आपके पत्नी के लिए सबसे अच्छा पशु है हमारे पास, एक लैब्राडोर पप्पी, अभी लाता हूं। नहीं, नहीं, पप्पी नहीं, कुछ और हो तो बताइए। अच्छा ठीक है, तो ये खरगोश चलेगा? देखिए कितने प्यारे हैं। हाँ बहुत प्यारे हैं। कितने में दिए? केवल 7,000 रुपए। इतने भी प्यारे नहीं है, कोई सस्ता सुविस्ता सुंदर टिकाऊ उपाय बताइए। अच्छा तो क्या वो चूहे पसंद करेगी? नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे चूहे तो हम घर से भगाते हैं, खरीद कर थोड़ी ले जाते हैं। तो फिर कबूतर? नहीं 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 नहीं, इनसे तो हमें सख्त नफरत है। जब भी घर से बाहर निकलते हैं रोज सुबह हमारे ऊपर प्रेम टपका देती हैं। ये नहीं, देखिए क्या है प्यारी जी, हमारी पत्नी हमारे अलावा सिर्फ एक ही चीज से प्रेम करती है, और वो है बक बक। हमारा मतलब है बातें करना। तो कोई ऐसा पशु दिखाइए जिससे वो दिन भर बातें करती रहे। समझ गया, एक मिनट। क्या है ऐसा, क्या है तुम में जो 7,000 के बिक रहे हो? तोता। तोता? हाँ तोता। अरे भाभी जी के लिए सबसे अच्छा सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ साथी, ये बात भी करेगा और बात सुन भी लेगा। हाँ और दाम? दाम बिल्कुल आपके बजट में, सिर्फ 1,000 रुपए।
1000 रुपए एक तोते के लिए? यम जी, ये कोई ऐसा ऐसा तोता नहीं है, अब बहुत ही ऊंची श्रेणी का तोता है। अरे ऋषि रसमय के पास से इसने पूरी शिक्षा प्राप्त की है। तो ये बातें तो कर लेगा ना? अजी, एक बार बातें करने लगेगा तो रुकने का नाम ही नहीं लेगा, और बड़ी प्यारी बातें करता है ये। सिर्फ श्लोक और उत्तम शब्दों का ही प्रयोग करता है। यमराज की जय हो। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम नवदेव देव। देखा आपने, आशीर्वाद आशीर्वाद। वैसे एक बात कहो यमराज जी, तोता पालने वाले की शान ही कुछ अलग होती है। ठीक है, तो ये तय रहा, हम ये तोता लेंगे। वैसे आपके पास EMI की सुविधा होगी? चलिए, अब जिन विद्यार्थियों ने अपना होमवर्क कल जमा नहीं कराया था, वो आज अपना होमवर्क यहाँ जमा करा दें। और हाँ, जिन्होंने अभी भी अपना होमवर्क नहीं किया है, उसे कक्षा के बाहर दोपहर तक मुर्गा बनकर बैठना होगा, समझे? तू तो बनेगा मुर्गा आज। देखता रहे कौन बनता है मुर्गा। क्या ये तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? तुम्हें बार बार मुर्गा बनाकर मैं थक चुका हूं। अब तो मेरा मन करता है कि तुम्हें बिल्ली बनाऊं, लेकिन फायदा क्या, रास्ता तो तुम मेरा ही काटोगे। सर, रास्ता नहीं, आपके अशुभ ग्रह नक्षत्र काटूंगा। कैसे? इससे। बस एक बार आप इसे गले में पहन लीजिए, उसके बाद आपका प्रमोशन पक्का, डबल पगार के साथ, और हो सकता है कि स्वर्ग के टॉप स्कूल में आपको नौकरी भी मिल जाए। सच? और नहीं तो क्या, एकदम ओरिजिनल माल है, यमलोक की पहाड़ियों में स्थित लाल गुफा से टूना बाबा से लाए हैं। अब गुफा में गया था इसलिए होमवर्क नहीं कर पाया। ठीक है, मैं मुर्गा बन जाता हूँ। अरे हिमेश बेटा, तुमने हमारे लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया, हम तुम्हें क्षमा करते। सर, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्या हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते? ये लो। नहीं नहीं सर, गुरु को तो दक्षिणा दी जाती है, गुरु से दक्षिणा ली थोड़ी ना जाती है सर। अति उत्तम। ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो मैं रख लेता हूँ। थैंक यू सर। हिमेश, क्या वो सचमुच एक शुभता भी था? अबे पागल है क्या, स्कूल आते टाइम रास्ते में पड़ा मिला था। मैं अप्पू आपको मेरे खास प्यारे दोस्तों से मिलवाऊंगा ताकि आप। अरे आप पागल, ये लीजिए सरप्राइज। तोता? आप एक तोता ले आए, लेकिन मैंने तो पप्पी मंगाया था ना। अगर हम कुत्ता ले आते तो हम में और कुत्ता जी में, गुप्ता जी में क्या फर्क रह जाता? भैंसा पालने वाले कभी कुत्ते नहीं पालते, पर हमने सुना है कि तोता पालने वालों की बात ही कुछ और होती है। अच्छा, और किससे सुना है आपने? दुकानदार से। वो छोड़िए, हमने तो आपको एक खास बात बताई नहीं, ये तोता बोलता भी है। अच्छा? बिल्कुल आपकी मम्मी की तरह, एक बार मुंह खुल जाए तो बंद होने का नाम ही नहीं लेता। देखिए, मेरी मम्मी की तुलना एक तोते से मत कीजिए, वो तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती है। हाँ तो ये तोता भी बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है, बहुत ही उच्च श्रेणी का तोता है, उत्तम शब्दों का और सिर्फ श्लोक का प्रयोग करता है ये आपके लिए। जो मैं चाहती हूँ ना, आप कभी नहीं लाते। चलिए, कुत्ता नहीं तो तोता ही सही। जग में सबसे अच्छी नारी, सबसे प्यारी सबकी दुलारी, नर भी करे पूजा तेरी, तू है देवी सब पे भारी। वाह वाह, क्या बात है, अगर ये तोता तोता नहीं होता, मनुष्य होता तो प्रवचन देने वाला बाबा बनता। बिल्कुल, तो आज से हम इसे मिट्ठू बाबा बुलाया करेंगे। क्यों नहीं, पता है सर, पैरट्स आर कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज। मतलब? छोड़िए, बहुत ही पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भैया
कोई ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित कोई। पोपट बना दिया अध्यापक जी को। पोपट? ये पोपट कहाँ से आया? पूरा काल कभी बता के नहीं आता। सही कहा मिट्टू बाबा, पूरा काल कभी बता के नहीं आता। भैया ये मिट्टू बाबा कौन है? ये है मिट्टू बाबा, हमारे घर के नए सदस्य। पर इस पोपट को घर में लाया कौन? पोपट नहीं, मिट्टू बाबा। जरा रिस्पेक्ट से बात करो इनसे, ये किसी महाज्ञानी से कम नहीं, ये किसी ऋषि से शिक्षा लेकर आए हैं। मिट्टू बाबा मैं जरा बाहर काम के लिए जा रहा हूँ, तो इन दोनों गधों की बातों का बुरा मत मानना, ओके? प्रचंड वायु में भी पहाड़ विचलित नहीं होते। Oh, what a bird! What a bird! Oh, too much. नमस्ते मिट्टू बाबा। हाय मिट्टू जी। क्या आप हमसे दोस्ती करेंगे? वही सबसे तेज चलता है जो अकेला चलता है। अरे वाह, यू तो सचमुच किसी महर्षि की तरह बात कर रहा है। क्या तू वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, चल इसे सीढ़ी मारना सिखाते। नहीं, हम इसकी मदद से अध्यापक जी को मजा चखा सकते हैं। लेकिन कैसे? विचार करना सरल है, कर्म करना कठिन। अरे मिट्टू बाबा, आप बस एक बार हमारा साथ दे दो, फिर विचार भी सरल और कर्म भी सरल। अरे अरे अरे, सुनिए अपनी भविष्यवाणी मिट्टू बाबा की जुबानी, सिर्फ 500 रुपए और आपके सारे कष्ट दूर। अरे प्रिंसिपल सर आप? प्रणाम प्राचार्य जी। प्रणाम प्रणाम। जिन्हें खुद चिड़ियाघर में होना चाहिए वो यहाँ चिड़िया के साथ क्या कर रहे हैं? इन्हें माफ कर दीजिए मिट्टू बाबा, ये आपकी महानता से अनजान है बेचारे। अरे सर ये कोई चिड़िया नहीं, ये मिट्टू बाबा है, किसी महर्षि से कम नहीं। इनकी लीला अपरंपार है, इनके अंदर इतनी शक्ति है कि ये पत्थर को भी सोना बना सकते हैं। क्या? मैं नहीं मानता, चल। हैं? नहीं मानते? सत्या बताओ तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ था? ये सच कह रहा है प्राचार्य जी, मेरे पापा ने भी मिट्टू बाबा की बातें सुनी थी और उन्हें सोने के सिक्कों से भरा संदूक मिल गया। सोना? हाँ, हमारे जीजा जी ने भी इनकी बात मानी थी, तो आज वो हीरे की गोटियों से कंचे खेल रहे हैं। हीरा? हाँ सर हाँ, आपकी भी किस्मत चमक सकती है, बस आपको मिट्टू बाबा से सवाल पूछने की देरी है। हाँ अवश्य, हाँ, हम भी कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। तो लाइए 500 रुपए। 500? अरे हाँ सर हाँ। प्रणाम मिट्टू बाबा, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में आर्थिक सफलता कब प्राप्त होगी? धन धना धन धन, जो खेले धन का खेल, बोए खोए रोए कबीरा, सब है हाथ का मैल। इसका क्या अर्थ हुआ? अरे इसका 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 अर्थ हुआ सर कि धन बोगे तो धन पाओगे, मतलब आप धन को अपने हाथों का मैल समझ के मेरे हाथ में डाल दीजिए। सोच क्या रहे सर, धन की प्राप्ति होगी सर, दीजिए सर दीजिए। हाँ क्यों नहीं, अवश्य, हाथों का मेल, हाथों का मेल। वाह वाह, तो मिट्टू बाबा अब इन्हें क्या करना चाहिए? धर्म दे कल कर्म दे फल, दे जलन धूप से तपती रेत, मान सम्मान धन दौलत फिरे सब, जब अकल चरने कई खेत। वाह वाह, इनकी लीला तो अपरंपार है। ये कहना चाहते हैं कि हाँ आप सबर कीजिए, आपको धन दौलत शौहरत सब प्राप्त होगी, जाइए। वाह, आज अच्छा हुआ कि मैं आप दोनों से मिला। अच्छा हम चलते हैं। बाबा जी प्रणाम। आनंद आनंद ही आनंद है, आनंद है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यार कि आज तूने प्राचार्य जी से 2000 रुपए निकलवा लिए। तू देखता जा बेटा, ये तो बस शुरुआत है। तू देख, 2000 से 20,000, 20,000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरबोपति, हमारे हाथ ये खजाना जो लग गया है। अरे मिट्टू बाबा कहाँ गए? लगता है उड़ गए। उड़ गए?
तूने उनके पंख नहीं बांधे थे? मुझे लगा तूने बांधे होंगे। अगर मिट्टू बाबा नहीं मिले ना तो दीदी मेरे हाथ पैर बांध के मुझे कोने में डाल देंगी। अब क्या करें? अब तो बस एक ही चारा बचा है। नमस्ते अंकल जी, हमें एक तोता चाहिए। भाई हमारे पास तो इस वक्त सिर्फ एक ही तोता है, परंतु वो क्या वो हरे रंग का है? हाँ किंतु क्या उसकी चोंच लाल है? हाँ भाई परंतु वो बहुत क्या वो बोल सकता है? हाँ भाई हाँ, पर वो बहुत ही बस तो किंतु परंतु पर लेकिन इनको डालिए जेब में और वो तोता हमारे लिए पार्सल नहीं पैक कर दीजिए। अच्छा ठीक है। नो ओके ओके, मैं पता है कुछ तोतों की उम्र 80 साल तक हो सकती है। इसका मतलब इसका यमराज भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या यार बार बार घंटी क्यों बजती रहती है? और तभी जब मैं सबसे ज्यादा बिजी रहता हूँ। हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अब मिस्टर तोता थोड़ी ना हो जैसे उड़ के आ जाओ और खोल दू। घूमा अरे प्रिंसिपल सर। क्यों पनिशमेंट देनी है? नहीं नहीं सलाह लेनी है। सलाह लेनी है दिनेश से? हाँ अरे कहाँ है वो? वो तो सत्या के साथ बाहर गया है। बाहर गया है कोई बात नहीं, मैं खुद ही अंदर आ जाता हूँ और सीधे तोते से ही बात कर लेता हूँ। क्या आप मिस्टर तोते से बात करेंगे? ठीक है अकेले में। ओके नमस्कार तोते महाराज। चिपकली की टेढ़ी दुम। क्या लुटेरा लंगोट मास्टर? मैं तो आपसे कुछ पूछने आया था और आप ऐसी टट्टू के टूटे हुए दांत। शांत, आपने वो जो कुबेरमैन का कॉम्बो मंत्र बताया था ना वो? चुप कर लंगोट मास्टर। माफ कीजिएगा वो क्या है ना तोते के लिए खाना बना रही थी इसलिए। प्रिंसिपल सर आप जैसा भाई वैसा तोता, दोनों जानवर। ओए फूले हुए गोभी के बच्चे, सुनाई नहीं देता क्या? पहली बंदरिया, कांचोर कबूतरी, गेंडे की बेटी, नलायक नागिन। चुप चुप, अगर एक शब्द और बोला ना तो खाना नहीं दूंगी समझा? यहीं पर रहना। अरे अच्छा हुआ आप आ गए, हम तो रोज ही आते हैं। मेरा मतलब वो नहीं ये। मिठू बाबा भाई क्या हो गया उसे? देखिए ना जब से आप गए हैं ना अनाप शनाप बोले जा रहा है। ये कैसे अनाप शनाप बोल सकता है? आप अनाप शनाप सोच रही हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा तोता सिर्फ एक ही है। ज्ञान भरे श्लोक, उत्तम विचार, शुद्ध भाषा, ये आप धरती वालों को समझ में नहीं आएगा। हम बात करते हैं, देखिए अभी मिठू बाबा लू को पूगी ली मुका चुगी ली की पू। खुली हुई गोभी सुना? नहीं नहीं ये कुछ और ही कह रहा होगा। मिठू बाबा आप तो महा तोता हैं, पंछी श्रेष्ठ हैं, ज्ञान के सागर हैं। प्रांचर आप कौन? आपका तोता मेरे पास उड़कर आ गया था। एक मिनट अगर ये हमारा तोता है तो वो किसका तोता है? अरे वो हाँ। अरे वो तो महादुष्ट तोता है, किसी राक्षस का है और गंदे शब्दों के सिवा बातें ही नहीं करता। आज ही सवेरे एक 15-16 साल का लड़का उसे मुझसे खरीद कर गया था। अरे यही तो था वो दिमेश तोता। हिमेश मूर्ख बेशरम खानदान पे दाग, तू रुक जा अभी पप्पा को फोन करके तुझे यहाँ से भगाती हूँ। आप क्यों नहीं कुछ कह रहे? हाँ देखो हिमेश बेटा एक ओके नहीं 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 ओके जी 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 जी
मैडम जी। देखिए ना, मिट्टू बाबा बाहर का होकर भी अपने घर का सदस्य बन गया है। बिल्कुल आपके मम्मी की तरह। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम इशारा।